पापा के वजह से नहीं जाते, पापा मरते। अच्छा, मम्मा का? मम्मा मरवा दी उसने, मम्मा को भी मरवाया पैसों की वजह से। मैं किसी के घर काम करती थी। अच्छा। वो शहादत करते थे मेरे मार। सोई नहीं हूँ? नहीं सोती जिंदगी में। नहीं सोई? नहीं सोती कभी भी। नहीं सोई, नींद आई। डरती हूँ कोई मार ना दे। यहाँ नजायज बच्चे भी तो पैदा होते। नजायज हमल हो गया था, जिन्होंने हमल ठहरा ना ला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लड़की मौजूद है, ये 18 साल की लड़की है और तकरीबन 5 साल से यहाँ पर ये घूम रही है। और इसकी पहले ये कंडीशन थी कि इसको हम साईं बोलते थे, यानी कि ये एबनॉर्मल इसको कहा जाता था, कंसीडर ये किया जाता था। लेकिन आज इसने जब बैठ के गुफ्तगू की और इसने कहा जी आप मीडिया पर्सन हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार हूँ, या तो मेरी ज़िंदगी बचा दें, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, यहाँ बहुत गलत काम होते हैं, मेरे ऊपर तशद्दुद भी हुए हैं, मेरी जान को भी ख़तरा है। बाकी ये ख़ुद बताएगी और ये जो चाहती है वो स्क्रीन के सामने बताएगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी इसकी मदद करें। 18 साल की लड़की, 5 साल से अब हमें पता चला कि ये बिल्कुल सही है और एबनॉर्मल होने का जो है वो एक इसका समझ लें कि अपने आप को बचाने के लिए लोगों के सामने बताती है, जाहिर करती है कि मैं पागल हूँ, मेरे पास कोई ना हो सकता है। अगर ये सही अपने आप को लोगों के सामने शो कराती तो इसकी इज्जत भी महफूज ना होती। बाकी ये तो रब के साथ जानती है इसके साथ क्या मामला। तो हाँ जी, इस्लाम में क्या नाम है? मरियम। मरियम, 18 साल तुम्हारी उम्र है, 5 साल से यहाँ घूम रही हो, घर क्यों नहीं जाती? घर में कौन है, किसने नहीं जाती? मैं पापा की वजह से नहीं जाती, पापा मारते। अच्छा, मम्मा का? मम्मा मरवा दी उसने। मम्मा को भी मरवाया? पैसों की वजह से। खुद मरवाई है? जी। जहर दिया है कि गलत मरवाई किसी आदमी के हाथ से? अच्छा, कितने बहन भाई हो? सगे? हम सगे बहन भाई, 8 बहन, 4 भाई ने। सब शादीशुदा? जी। तुम छोटी हो सबसे? सबसे छोटी हूँ। और बाप ने शादी की, पापा ने शादी की? दूसरी शादी की। उसमें बच्चे हैं? 3 बहनें 2 भाई हैं। उसमें भी बच्चे हैं? जी। तो तुम्हें उन्होंने निकाला या तुम खुद भाग गई हो? मैं किसी के घर काम करती थी। अच्छा। वो शहादत करते थे मेरे मार। वहाँ से भाग गई? वहाँ से भाग गई। अच्छा, 5 साल पहले भाग गई। तुम्हारी किसी ने खैर खबर नहीं? यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। मरियम, किस तरह सोती हो, किस तरह खाती हो, किस तरह? नहीं हूँ, दरबार तो रोटी खा लेंदी। सोई नहीं हूँ? नहीं सोती जिंदगी में। नहीं सोई? नहीं सोती कभी भी। नहीं सोई, नींद आई? डरती हूँ कोई मार ना दे। क्यों, कौन मारेगा? पोडरी ना तो डर लगता। पोडरी का पता है ना यहाँ कौन कौन है? हर एक का पता, लड़कियाँ। हमने तो ये भी सुना है तुम भी पाउडर पीती हो, आइस पीती हो, नशा कर? मैं नशा नहीं करती, सिर्फ गुटखा वगैरह का। कभी नहीं नशा? नहीं। कभी किसी ने गलती से इस तरह तुम्हें बताए बगैर भी नहीं करवाया पाउडर वगैरह? अच्छा, तो फिर वो जो आइस मेकर होते हैं वो नहीं पीते? जागो, वो सोते नहीं है तुम्हें? वैसे ही नींद नहीं? वैसे नहीं नींद। नहाती हो? नहाती हूँ। तो कहाँ नहाती हो? कपड़ों समेत ना? और कपड़े वगैरह कहाँ हैं? लंडे चलाने? लंडे में से ये फिर जब मैले हो जाते हैं फेंक देती? फेंक देती हूँ। फिर और ले लेती हूँ? और ले लेते। पैसे कौन देता है? किसी से मदद लेती हूँ? जी। अब मुझे बताओ कि खाती भी हो, पीती भी? यहाँ और भी हैं लड़कियाँ जो? क्या मामलात हैं उनके, क्या चीज़ें? गलत काम। कहाँ से आई हैं वो? यहीं रहती हैं? पता नहीं कहाँ से आई। अच्छा, कितनी लड़कियाँ हैं? 4 लड़की। बाल बच्चे दार हैं, शादीशुदा? कुंवारी। कहाँ लेके जाती हैं, क्या काम करती हैं? उनका कोई गैंग है, उनकी कोई बड़ी है, कोई करवाता है उनसे या खुद ही करती हैं गलत काम? छत पे जाती। अच्छा, फिर क्या करती हैं? गलत काम करती। वो पुलिस नहीं पकड़ती? क्यों? और तो उन लोगों को कितों फड़ना उन्होंने? पुलिस वाले भी उनके हाथ में? हाँ, पुलिस वाले उनको नहीं करवाते ना। अच्छा, लोगों को पकड़वाती हैं? मुंडियां ने फड़वादियाँ ने और फिर भाग जाती हैं? भाजी आंदियाँ ने। यहाँ नजायज़ बच्चे भी तो पैदा होते?
नजायज हमल हो गया था जिन्होंने हमल ठहरा नाला। अच्छा, हो गया हमल? हो गया उन्होंने। फिर क्या कहती है? नहीं जाया कर कहते नहीं साढ़े नाल मेरे नाल चला मैं हॉस्पिटल। मैं क्या मैं नहीं जानी क्यों क्या कहती कहते ने से बच्चा जाया करवाना। मैं क्या पहले काम तुसी कदम पहले क्यों चुके हैं तुसी? तुम्हें भी कभी उकसाया कि ये काम करो सही है इसमें पैसे कहंदियां? मैं क्यों गाला कर दी उन्होंने वटे मार दी। क्या कहती हैं? कहंदी साढ़े नाल ये काम कर धंधा। मैं क्या मैं हराम नहीं खाना चाहती। अच्छा, क्या मांग के खा लाँगी जब बोतल चौके कागज चौके कबाड़ियों वेच दाँगी लेकिन यह काम नहीं करेंगे ना। मैं शादी करना चाहती हूँ? करना चाहती हूँ इज्जत से। फिर ये ना हो कि महीना रहो दो महीने रहो उसको चकमा दे के फिर निकला। नहीं, मैं इधरों अपनी जान छुड़वाना चाहती। मैं आप चाहती कोई मेरा सहारा बने। शादी करना चाहती? शादी इज्जत से घर में किसी की इज्जत बन के रहना। मैं कहती कोई मुझे इज्जत दे। अच्छा, तुमने गलत काम कभी भी नहीं की? जबरदस्ती भी किसी? नहीं। नाज़रीन, इसके बारे में मज़ीद आतिफ भाई से पूछते हैं। इंशाल्लाह जो इसके लिए बेहतर हो सका, ये शादी का कह रहे हैं शादी भी इसकी ज़रूर करवाएंगे, जो बेहतर हो सका इसके लिए वो हम कोशिश करेंगे कि इसकी हेल्प की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आतिफ भाई, ये लड़की कह रही है जी मेरा घर बसा दें, मैं इज़्ज़त से रहना चाहती हूँ, मैं जान छुड़वाना चाहती हूँ। इसको हम 5 सालों से देख रहे हैं। पहले ये एबनॉर्मल बिहेव करती थी, गंज भी हुई हुई थी इसकी और ऐसे लगता था कि ये पागल है, पास जाते थे ये भाग जाती थी, लेकिन ये ओरिजिनल बिल्कुल सही है, सही बातें कर रही है। मैडम पहली बात तो ये है ना कि दाता दरबार का एरिया इस तरह का है कि इधर जो भी लड़की आती है ना वो तो सबसे पहले इधर की आवाम ही से छोड़ दे। जितने भी लोग इधर आए हैं, जितने भी हमारे तक में यूट्यूबर जितने भी चैनलों वाले हैं, उन्होंने तो जलील ही कर दिया इस औरत को। मुझे पता है इस लड़की को ना जब इसके बाल कटवाए थे तो तब भी लोगों ने बोला कि अच्छा हुआ ये हुआ वो हुआ, लेकिन गलत किया था। लेकिन अभी का जो मामला थे कह रही है मैं ठीक हूँ शादी करवाना चाहती, लेकिन शादी ये मेरे ख्याल से ये नहीं करवाएगी। वो कह रही है मैं जान छुड़वाना चाहती। अगर जान छुड़वाना चाहती तो एक इरादा करे, दिल से करेगी तो हम ज़रूर करेंगे। मेरा इससे वादा मैं इसकी शादी मैं करवा दूँगा। वो कह रहे हैं जी दिल से कहोगी शादी के लिए बताओगी पक्का कहोगी? स्क्रीन पे कह रही हो मुड़ोगी नहीं? पक्का कहूंगी, जैसे अपनी जान छुड़वाना चाहती। शादी कर हट मुड़ोगी नहीं? नहीं, तुम्हारा निकाह करवाएंगे बाकायदा इज्जतदार घर में, तुम्हारा निकाह करवाएंगे, इज्जत के साथ घर में रहोगी, रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और जरूरत जिंदगी मिलेगी। ठीक है, कर लोगी? बाल किसने कटवाए थे? पप्पा ने कटे। क्यों? गंज करा दी थी तुम्हारी इजाजत के बगैर? वो भी जुर्म करती थी, मारती थी। वो कह रही है जी मैं करने को तैयार। अगर ये करने को तैयार है तो हम भी जो है पीछे नहीं हटने वाले, हम भी इसका जरूर करवाएंगे, किसी अच्छे घर करवाएंगे और बाकायदा जब इसका निकाह करवाएंगे उस टाइम इसकी वीडियो बाकायदा तौर पे बनाएंगे, ऑन स्क्रीन बताएंगे सबको किसकी हमने शादी करवा दी है। इस घर में करवाइए, आज ये सुखी भी है और खुशी से रह रही है और इज्जत से रह रही है। इसने ये अल ऐलान कैमरे के सामने कहा है जी मेरी शादी करवा दें, मुझे किसी के घर की इज्जत बना दें ताकि मैं ये यहाँ से जान छुड़वाऊँ। अल्लाह जाने इसको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। ये कहती है मैं सोई नहीं हूँ ज़िंदगी में, इस वजह से मुझे डर लगता है कि पॉटरी कहीं मेरी इज्जत जो है वो ख़राब ना कर दें। बाकी आप क्या कहेंगे, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह हक़ इंसानियत के लिए और फलाह इंसानियत के लिए हम जो है जहाँ तक मुमकिन हो सका पेश रहेंगे और इसकी ज़रूर जो है इसका साथ भी देंगे और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये काम ज़रूर करेंगे। आप क्या कहेंगे, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।